भारत और इंग्लैंड के बीच कल यानी 2 फरवरी से टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया पलटवार के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। वही इंग्लिश टीम भी इस बार टीम इंडिया के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन करने की इरादे से मैदान में उतरेगी। रविंद्र जडेजा, केएल राहुल और विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया अब अपने नए खिलाड़ियों पर दांव लगाएगी। कहा जा रहा है कि रजत पाटीदार कल यानी कि दूसरे टेस्ट मैच में डेब्यू करते नजर आ सकते हैं। ऐसे में मुकाबले से ठीक पहले पिच को लेकर तमाम तरीके की बातचीत जो चल रही थी उस पर फिलहाल लगाम लगी। खबरों की माने तो वाइजैक की पिच उसी तरीके की पिच नजर आ रही है जैसा कि हैदराबाद के मैदान पर हमने देखा था। ऐसे में ये एक बात तो तय है कि ये पिच रैंक टर्नर नजर नहीं आएगी, यानी कि दूसरे टेस्ट के लिए थाकड़ पिच की जो बात की जा रही थी अब वो पिच तैयार नहीं होगी। हैदराबाद जैसी ही पिच इस मैदान पर भी दी जाएगी। हो सकता है कि भारत अपने लूप होल से कुछ सीख कर आ रहा हो जिसका फायदा भारत को दूसरे मुकाबले में मिल सके। ये भी कहा जा रहा है कि कुलदीप यादव को इस मुकाबले में वापसी कराई जा सकती है। खास बात यह है कि इस मुकाबले को लेकर अंग्रेज कप्तान बेन स्टोक्स ने भी साफ कहा है कि इस मुकाबले में पिछले मुकाबले से कम टर्न मिलने की उम्मीद है, लेकिन हम 4 स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतरेंगे जैसा कि हमने पिच देखी है। हालांकि ज्यादातर जानकारों की अगर बात की जाए तो इन जानकारों का यही कहना है कि यहां पर भारतीय टीम को लंबा डालने के लिए उन्हें फिलहाल 3 से 4 स्पिनर की जरूरत है। 3 वो रेगुलर स्पिनर्स लेकर मैदान में उतर रहे हैं। इसके अलावा अब किस तरीके से पिच बिहेव करेगी ये देखने वाली बात होगी। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।